friends, myself Rasika Pagaria from Arham Junior College. Today we are going to end our topic, that is Indian struggle against colonialism. In that, in last lecture we studied about Mahatma Gandhi non-violent resistance movement. In that we saw about the salt satyagraha, Champagra satyagraha in Bihar. We saw how Gandhiji fought for the taxes, injustice which were against the farmer and all. Now we are going to look about the Azad Hind Sena. In the year 1939, Hitler pushed European in the World War II. अभी 1939 में क्या हो गया? Hitler came and there was the World War II started. The British government, without the consent of its Indian subjects, decided to involve Indian as one of the participant country in the war. अभी British government ने, what British government did? British government declared कि बाबा, without concerning about any Indian, what the British government did? कि बाबा, India भी war का एक part है बोल के India को भी war में घसीट लिया. Mahatma Gandhi and the Indian National Congress were against this decision of the British government. अब जबरदस्ती हमको वॉर में इंडिया को घसीटा है, तो सो व्हाट हैपेंड? महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर जो थे, दे बिकेम अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इन दिस वॉर जापान डिसाइडेड टू फाइट एज जर्मन्स अलाइड नेशन. अभी वॉर में क्या था, जापान ने क्या डिसाइड किया, वो फाइट करेगा एज जर्मन्स अलाइड नेशन. जापान कॉन्कर्ड द रीजन अंडर ब्रिटिश रूल इन साउथ ईस्ट एशिया. अब जापान ने क्या किया, जापान ने कॉन्कर किया ब्रिटिश के जो कॉलोनीज थे उस पर जापान ने कॉन्कर किया इन साउथ ईस्ट एशिया. मैनी इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वेर टेकन कैप्टिव बाय द जापानीज आर्मी. तो बहुत से इंडियन सोल्जर्स क्या थे, वो ब्रिटिश आर्मी जो थी उसमें बहुत से इंडियन सोल्जर्स थे. राज बिहारी बोस बिल्ड आजाद हिंद सेना बाय रिक्रूटिंग दिस इंडियन सोल्जर्स एंड लेटर इट वॉज रीऑर्गेनाइज अंडर लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस. सी, राज बिहारी बोस ने क्या किया, आजाद हिंद सेना बनाई, इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट किया और उन्होंने आजाद हिंद सेना बनाई. बाद में ये आजाद हिंद सेना, हु लेड दिस आजाद हिंद सेना, then it was led by the Subhash Chandra Bose. In 1943, Subhash Chandra Bose established Azad Hind Sarkar in Singapore. Singapore में क्या हुआ, Subhash Chandra Bose ने Azad Hind Sarkar establish की Singapore में. At the end of 1943, he had already conquered Andaman Nicobar. अभी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, 1943 तक अंदोबार निकोबार आइलैंड पे कब्जा कर लिया था. एंड व्हाट ही यूज्ड टू से तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. गिव मी योर ब्लड, आई शैल गिव यू इंडिपेंडेंस, ही यूज्ड टू से दिस. ये सुभाष चंद्र के ये वर्ड्स हर किसी को याद है. जब भी व्हेनेवर वी टेक द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, वी कम टू नो, वी रिमेंबर अबाउट द आज़ाद सेना एंड वी रिमेंबर अबाउट हिज वर्ड्स, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस. दिस स्पीच बाय हिम रिटर्न्ड इन द की स्लोगन अमंग इंडियंस. अब इनका जो स्पीच में उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए थे, लाइक तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन बन गए इंडियंस में. इन 1944 ही हैड कॉन्कर्ड द अराकन प्रोविजन एंड द ब्रिटिश आउटपोस्ट ऑन द ईस्ट बॉर्डर ऑफ आसाम. अभी ईस्ट बॉर्डर के आसाम के जो एरिया था, अराकन प्रोविंस एंड ऑल, उधर सुभाष चंद्र बोस ने कॉन्कर कर लिए थे वो सारे. द सोल्जर्स ऑफ आजाद हिंद सेना केप्ट फाइटिंग इन वेरी एडवर्सिव कंडीशंस, दे कुड नॉट रीच एंड कैप्चर इम्फाल. अभी उनकी कंडीशन क्या हो गई सोल्जर्स की, बुरी हो गई, बट स्टिल दे केप्ट ऑन फाइटिंग. बट फिर भी क्या हुआ, दे कुड नॉट रीच द इम्फाल. नाउ दिस वॉज इज ऑल अबाउट द आजाद हिंद सेना. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट पॉइंट, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ
1942. The Executive Council of the Indian National Congress passed a resolution at वर्धा दैट द ब्रिटिश शुड क्विट इंडिया. अभी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वहाँ पे रिजोल्यूशन क्या पास हुआ, विच वॉज हेल्ड एट वर्धा, दैट ब्रिटिश ब्रिटिश शुड लीव द इंडिया, दैट इज शुड क्विट फ्रॉम द इंडिया. दिस रिजोल्यूशन वॉज टू रिसीव फाइनल अप्रूवल इन द सेशन एट मुंबई. ये रिजोल्यूशन को फाइनल अप्रूवल कहाँ पे मिलने वाला था, मुंबई में. On 7th August 1942, the session of Indian National Congress began on the Gwalior Tank Ground in Mumbai. अभी 7th August 1942 को क्या हुआ? Indian National Congress began on the Gwalior Tank. अब session चालू हुआ Gwalior Tank Ground in Mumbai. Maulana Abdul Kalam Azad was the president of this session. जो मुंबई में session हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका हेड कौन था? मौलाना आजाद. ऑन 8th अगस्त इन दिस सेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया एंड इट वाज अप्रूव्ड विद ग्रेट मेजोरिटी. तो अभी 8th अगस्त को क्या हुआ, इसी उसी सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू केम अप विद द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय द majority of the people. It was demanded that the British should immediately leave India. In this session, it was also decided that the Quit India movement should be taken forward with the non-violent approach under Mahatma Gandhi's leadership. अभी इसमें क्या बोला है कि British should leave India immediately और ये Quit India movement ये Mahatma Gandhi lead करेंगे विथ नॉन वायलेंस, मतलब बिना किसी झगड़े के क्विट इंडिया मूवमेंट आगे जाएगा, आगे आगे बढ़ेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी अपील्ड टू ऑल इंडियंस सेइंग दिस मूवमेंट इज नॉट फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट ऑफ ऑल इंडियंस. गांधी जी ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट अपने हाथ में लिया एंड ही स्टार्टेड सेइंग पीपल दिस मूवमेंट इज नॉट फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस. सिर्फ ये मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं है, ये पूरे इंडिया का मूवमेंट है. एवरी इंडियन मैन एंड वुमेन शुड नो इन देयर माइंड दैट दे आर फ्री सिटीजन फ्रॉम दिस वेरी मूवमेंट एंड दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ टू फाइट. अभी हर आदमी, हर नारी, लाइक हुवेर इज, जो भी इंडिया में है मैन वुमेन जो भी है, वो अपने दिमाग में डाल दे कि पापा आज के बाद आप फ्री हो ब्रिटिशर्स से एंड यू आर द फ्री सिटीजन फ्रॉम दिस मूवमेंट एंड अगर आपको नहीं मिल रहा है फ्री सिटीजनशिप तो आप लड़ाई करने के लिए तैयार रहो. व्हाइल एम्फसाइजिंग दैट दिस वाज गोइंग टू बी अ वेरी रिगरस फाइट महात्मा गांधी सेड. अभी जब वो एम्फसाइज कर रहे थे कि हर कोई अपने दिमाग में डाल दो कि आज से आप फ्री इंडिया में रह रहे हो बोल के, बट उसी वक्त ध्यान में भी रखो इसके लिए आपको रिगरस फाइट करनी पड़े तो भी करो. टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द मंत्रा डू और डाई. आज मैं आपको मंत्रा दे रहा हूँ डू और डाई, या तो आज़ादी अपनी ले लो या फिर मर जाओ. दिस शुड बी द ओथ टू विच वी कमिट अवर सेल्फ. ये ओथ लो, ओथ यानी शपथ. टेक दिस ओथ एंड कमिट अवर सेल्फ. प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस फॉर दिस ओथ. अपने कंट्री के लिए डू और डाई के लिए अपने सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार रहो. गांधी जी वर्ड क्रिएटेड अ न्यू स्पिरिट अमंग इंडियंस. अब इतना इंस्पिरेशन स्पीच देने के बाद, इतने इंस्पिरेशन वर्ड्स देने के बाद हर एक इंडियन के मन में क्या आ गई, एक उम्मीद जग गई. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द क्विट इंडिया मूवमेंट बिफोर इट स्टार्टेड. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू सस्प्रेस्ड, मतलब ही ट्राइड टू क्रश द क्विट इंडिया मूवमेंट बिफोर इट स्टार्टेड. बिफोर द डे ऑफ 9th August कुड सी सनलाइट, ऑल प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक गांधी जी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल वेर अरेस्टेड. अब 9th August को ये मूवमेंट शुरू हो,
सुबह सनलाइट भी नहीं हुई उससे पहले जो प्रोमिनेंट जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, लाइक गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, उनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किया। द गवर्नमेंट बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग, स्पीचर्स, रैली एंड प्रोटेस्टेशन। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बैन ला दिया पब्लिक गैदरिंग, स्पीचर्स, रैलीज पे, सब पे बैन ला दिया। इट सील्ड ऑल द ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ऑफिसर थे उन सबको पकड़ लिया, सील्ड इन द कंट्री। द रेजिस्टेंस अप पुट अप बाय ऑल एज्ड एंड यंग इन द विलेज लाइक चैमूर, अस्ती, यवली, महाड़, कारगोटी एक्सेट्रा विथ स्टीड फास्टन एंड करेजेस विल इंडीड द रिमेम्बर्ड फॉर एवर। अभी अभी सब लीडर्स तो अंदर चले गए बट उन रेजिस्टेंस आया, फिर भी नॉन कॉपरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट को कुछ लोग आगे ले गए। जो ब्रिटिश ऑफिसर ने जो बैन लगाया था पब्लिक मीटिंग पे एंड ऑल, फिर भी यंग और एज लीडर आगे आए, विलेज कौन से विलेज से, चैमूर, अस्ती, महाड़, गारगोटी, इन सब से आगे आए और दे करेजियसली रिमेम्बर गांधी जी वर्ड एंड दे मूव फॉरवर्ड। बाय द एंड ऑफ 1942 दिस मूवमेंट सपोर्टेड बाय कॉमन पीपल टुक अ डिफरेंट टर्न। अभी बाय द एंड ऑफ 1942 ये मूवमेंट कॉमन लोग आगे लेके गए एंड इट टुक अ न्यू टर्न। इट्स लीडरशिप वॉज अज्यूम्ड बाय द यंग सोशलिस्ट लीडर। अब उसकी लीडरशिप कौन ले लिया, यंग सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुण असफ अली, एस एम जोशी, एन जी गोरे वेर द फोरफ्रंट अमॉन्ग देम। अब सोशलिस्ट लीडर यंग लोगों ने इसकी लीडरशिप, क्विट इंडिया मूवमेंट की लीडरशिप ले ली। कौन कौन थे उसमें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुण असफ अली, एस एम जोशी, एन जी गोरे, इन सब ये सब आगे आके। सेवरल रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स वेर एस्टेब्लिश इन द कंट्री एट लोकल लेवल। अभी बहुत से रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स आए और वो लोकल लेवल पे एस्टेब्लिश होने लगे ऑल ओवर इंडिया में। द ग्रुप लाइक आजाद दस्ता एस्टेब्लिश बाय भाई कोटवाल इन करजत तालुका। अभी आजाद दस्ता ये एस्टेब्लिश हुआ, ये ग्रुप एस्टेब्लिश हुआ कहाँ, करजत तालुका में। लाल सेना इन नागपुर एस्टेब्लिश बाय जनरल अवरी, लेफ्ट नो अल्टरनेटिव फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट बट प्रे गॉड। अब हर जगह छोटे छोटे ऐसे ग्रुप फॉर्म होने लगे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और कोई रास्ता नहीं लेने लगा। इन मुंबई विट्ठल झवेरी, उषा मेहता एंड देयर कलीग स्टार्टेड अ ट्रांसमिशन सेंटर नेम्ड आजाद रेडियो। अभी मुंबई में क्या हो गया, आजाद रेडियो स्टेशन स्टार्ट हो गया। हु स्टार्टेड, उषा मेहता, विट्ठल झवेरी एंड देयर कलीग्स, दे स्टार्टेड आजाद रेडियो। इस आजाद रेडियो के द्वारा दे स्टार्टेड गिविंग मोटिवेशनल स्पीच टू पीपल, दे स्टार्टेड गिविंग मैसेजेस टू पीपल कि कम टुगेदर, यूनाइट, वी शुड यूनाइट एंड वी शुड कीप द व्हेन वी शुड गेट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। इन 1942 इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल वेर सक्सेसफुल इन अपरूटिंग द ब्रिटिश गवर्नेंस। अभी 1942 में क्या हो गया, इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत से पार्ट ऑफ इंडिया में क्या हो गया, पीपल वेर सक्सेसफुल इन ब्रिटिश को निकालने में, बहुत से पार्ट ऑफ इंडिया में ब्रिटिशर्स को उन्होंने निकाल भी दिया। इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल, जो बंगाल में है, बहिला यूपी एंड भागलपुर नियर आजमगढ़, द ब्रिटिश ऑफिसर वे फोर्स टू लीव दिया ऑफिस। अभी बहुत से जगह पे लाइक बंगाल के कुछ प्लेसेस में, यूपी, बिहार, कुछ जगहों पे क्या हो गया, ब्रिटिश ऑफिसर वेर फोर्स टू लीव दिया ऑफिस, पीपल टुक चार्ज ऑफ द गवर्नेंस एट दिस प्लेसेस। लोगों ने वहाँ पे गवर्नमेंट में सारा अपना चार्ज ले लिया था, लाइक वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर को इतना तकलीफ दिया इंडियन लोगों ने एंड दे हैड सच अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद द ब्रिटिश, ब्रिटिश वर फोर्स टू लीव द ऑफिसर्स एंड वी इंडियन पीपल टुक द गवर्नेंस ओवर देयर इन आवर हैंड। प्रस्त सिन्हा नाना पाटिल अ रिवोल्यूशनरी एस्टेब्लिश प्रति सरकार पैरेलल गवर्नमेंट इन द सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अभी नाना पटेल ने क्या किया,
उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दी सातारा डिस्ट्रिक्ट में। ही विद द हेल्प ऑफ हिज एसोसिएटेड पुट एन एंड टू द ब्रिटिश रेजिम इन सातारा डिस्ट्रिक्ट एंड एस्टेब्लिश्ड पीपल्स गवर्नमेंट। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा दिया वहाँ से और अपनी कॉमन गवर्नमेंट पीपल्स गवर्नमेंट बना दी। दिस गवर्नमेंट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक कलेक्टिंग रेवेन्यू, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सॉल्विंग द कोर्ट केसेस, पनिशिंग क्रिमिनल्स। अभी दिस वहाँ पे सातारा में तो उन्होंने पब्लिक पीपल्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली। अब पीपल्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने क्या काम चालू किया वहाँ पे, लाइक कलेक्टिंग द रेवेन्यू, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, सॉल्विंग द कोर्ट केसेस, पनिशिंग द क्रिमिनल्स। इन दिस पीरियड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिकेम वीक। अब क्या हो गया, यहाँ पे जो फाउंडेशन था ब्रिटिश लोगों का, इट टर्न टू बी वीकन। क्योंकि देखो बहुत जगह पे क्या हुआ, अपन इंडियंस ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को, ब्रिटिश लोगों को फोर्स किया छोड़ के जाने को, तभी क्या हो गया, ब्रिटिश का पावर धीरे धीरे कम हो रहा है यहाँ पे। और जो ब्रिटिश ने जो स्ट्रांग फाउंडेशन ले जो रखा था, अब वो हिलने लग गया। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रांग अपोजिशन ऑफ द इंडियन पीपल टू द ब्रिटिश रूल। जो क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था वो एक स्ट्रांग अपोजिशन था ऑफ द इंडियन पीपल टू द ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम अवेयर दैट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू रूल द इंडियन एनी लॉन्गर। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता चलने लग गया कि अभी इंडिया में रूल करना, इट वुड बी मच डिफिकल्ट, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रूल इंडिया नाउ हैंस फोर्थ। द एंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वॉज एविडेंट टू दैम। द रिबेलियंस ऑफ द सेलर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन नेवी 1946 एडेड टू द अनरेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश एम्पायर क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है और धीरे धीरे वीक हो रहा है। और जो रिबेलियन थे, जो सेलर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, उन्होंने भी ब्रिटिश का साथ छोड़ दिया। लाइक ब्रिटिश आर्मी में क्या थे, बहुत से इंडियन सोल्जर्स थे, बहुत से इंडियंस थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का साथ छोड़ दिया। दस व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिया बिकमिंग अ फ्री नेशन हैड बिकम एविडेंट, मौलाना मोहम्मद अली जिन्हा एंड हिज पार्टी द मुस्लिम लीग बिगैन टू इंसिस्ट ऑन द सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम। अभी जब इंडिया अभी फ्री होने वाला है, इंडिया जब दिख रहा है कि इंडिया को अभी आज़ादी मिलने वाली है, तो मोहम्मद अली जिन्ना एंड हिज पार्टी द मुस्लिम लीग बिगैन टू इंसिस्ट कि बाबा मुस्लिम लोगों के लिए एक सेपरेट नेशन बनाओ। देर वेर मैनी कम्युनल रायट्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और अभी इंडिया में क्या हो गए, बहुत से कम्युनिटी रायट्स होने लग गए। कम्युनिटी रायट्स मतलब जात पात को लेके बहुत से रायट होने लग गए इंडिया में। इट फाइनली रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। फाइनली क्या हो गया, अपना कंट्री का पार्टीशन हो गया। पहले क्या था, इंडिया पाकिस्तान ये सब एक ही था, लाइक पाकिस्तान वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया। बट क्या हो गया, अब पाकिस्तान क्या हो गया, इंडिया से सेपरेट हो गया। इन द मंथ ऑफ द ऑगस्ट ऑफ 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान टू सेपरेट नेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस। अभी इंडिया एंड पाकिस्तान ये दो सेपरेट नेशन अभी आ गए हैं। कब हुआ ये, अगस्त में 1947। सो फाइनली इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947। हिस्ट्री टेल अस दैट इट वाज इंडिया द नेशन दैट क्रिएटेड एन एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड टू ऑफ फाइटिंग सक्सेसफुली अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। अभी हिस्ट्री में इंडिया ने एक बहुत अच्छा एंड इट सेट अप अ बिग एग्जांपल फॉर द कॉलोनियल टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। जैसे ब्रिटिशर्स ने, अपन ने लास्ट चैप्टर्स में वगैरह देखा किस तरह से ब्रिटिश पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर रही थी। स्लोली स्लोली ब्रिटिश वॉज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इट्स कॉलोनी ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक साउथ अफ्रीका एंड स्पेशली द एशिया। लाइक साउथ अफ्रीका इन एशिया कॉन्टिनेंट पे क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स वे ट्राइंग टू मेक दिया कॉलोनी कंटिन्यूसली। क्यों उनका कॉलोनी बढ़ा रहे थे ब्रिटिशर्स लोग, क्योंकि उनके उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था
एंड दे कैन गेट द रॉ मटेरियल इजिली फ्रॉम दिस कॉलोनी, दे कैन प्रोड्यूस द गुड्स इन इंग्लैंड और वापस वो कॉलोनी में ही सेल के लिए आ जाएगा। इससे क्या हो रहा था, इंग्लैंड वॉज बिकमिंग वेल्दियर एंड वेल्दियर, और जो कॉलोनी पे है उनके ऊपर अत्याचार होते जा रहे थे। सो इंडिया सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द वर्ल्ड फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। इट गेव इंस्पिरेशन टू मैनी कंट्रीज हु वेर सफरिंग अंडर द सेकल ऑफ कॉलोनियल रूल। तो ये बहुत इंडिया ने बहुत से कंट्रीज को एग्जाम्पल दिया जो कॉलोनियल रूल में थे, जो कॉलोनियल रूल से परेशान थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया केम इन टू इम्प्लीमेंटेशन ऑन 26 जनवरी 1950। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिपेंडेंस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। वी सेलिब्रेट इट एज अ क्या है, 26 जनवरी, 15 अगस्त इज द इंडिपेंडेंस डे अपन सेलिब्रेट करते हैं, और 26 जनवरी इज ऑल्सो वी ऑल्सो सेलिब्रेट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विजन वॉज द मेजर फोर्स इन शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सी इससे पहले भी मैंने बोला था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अपन 26 जनवरी रिपब्लिक डे बोल के सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड एंड इट केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी। इट इज सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, इट वॉज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्लेड अ मेजर रोल इन फॉर्मिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल वैल्यूज ऑन विच द स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम वॉज फाउंडेड इंक्लूडेड लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड जस्टिस। अपना फंडामेंटल वैल्यूज जो थे अपने, लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रटर्निटी एंड जस्टिस, इन सबको ध्यान में रख के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ था। दिस वैल्यूज हैव बिल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन, एंड दिस वैल्यूज हैव बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब वैल्यूज पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ के लिए आपको रूल्स एंड लॉज बताए गए हैं। माइन्यूट छोटी सी छोटी चीज़ के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अपना अगर कभी, इफ़ यू गेट अ चांस रीड अवर कॉन्स्टिट्यूशंस, अगर आप किसी वकील के पास या किसी लाइब्रेरी में जाओगे ना, अपने आपको आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। इफ़ यू गेट अ चांस ना, जस्ट हैव अ लुक एट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर बुक, कॉन्स्टिट्यूशनल बुक, पूरी बुक है वो, आप रीड करो। उसके ऊपर हर चीज़ के लिए आपको लॉ है, कैसा है, क्यों है, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो वी एंड अप हियर टूडेज आवर टॉपिक, दैट इज सिक्स टॉपिक है वी हैव एंडेड हियर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, प्लीज मेल मी एट माई मेल आई डी। थैंक यू।